नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक ऐसी बात बताना चाहूँगा कि अगर जब आप उसको सुनेंगे तो आपको फील होगा, अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, तो गाइस चलिए फिर मैं आपको फटाफट बताता हूँ वो क्या है। देखिए, ये वीडियो का आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने अपने पास में बैठे एक व्यक्ति को देखा और वो इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी। यार मैंने बोला ये क्या है, मतलब हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी कुछ जम नहीं रहा है। ठीक है, आप खुश रहें, सब चाहते हैं हमेशा ही खुश रहें, बट आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप कंटिन्यूस हैप्पी रहेंगे तो आप हैप्पी रहना ही आप भूल ही जाएंगे कि हैप्पी क्या होता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप हैप्पी तभी हो सकते हैं जब आप सैड भी हो, कभी आप अपसेट हो या इट कुड बी एनीथिंग, आप न्यूट्रल हैं तभी आपको हंसी का फीलिंग आएगा कि यार तब आपको खुशी की फीलिंग आएगी, राइट। जब तक आप उदास नहीं होंगे आपको खुशी कैसे पता चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 24 घंटे अगर कोई बोले अभी आप खुश रहें तो इट्स नॉट फीजिबल। ठीक है, लोग सोचते हैं, ये चीज़ तो मैंने अभी रिसर्च में की है कि कोई लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास बड़ा घर बड़ी गाड़ी आ जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे पूरी ज़िंदगी में। क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च के अनुसार इस चीज़ के बारे में पता चला है कि जब आप बहुत पैसे वाले भी हो जाए तब लोगों, जब बहुत पैसा आ गया लोगों के ये सोचने के बाद, तो विद इन वन ईयर वो लोग वापस उस माइंडसेट पे पहुंच गए जब वो ये सोचते थे कि यार काश मैं अमीर हो जाऊं। तो वो लोग, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, वो लोग एक साल के लिए खुश रहे बट वो लोग वापस अपनी लाइफ के उसी मेंटल स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे वो एक साल पहले थे। तो अगर आपको लगता है कि पैसे से खुशी है तो भी मैं आपको बोलूँगा आप थोड़े बहुत गलत हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करेगा ये चीज़। मैं पूरे दिल से चाहता हूँ आप अमीर हो, आपके पास सब कुछ हो, बट योर हैप्पीनेस शुड नॉट डिपेंड ऑन मनी। ओके, पैसे की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो एक टेम्प्ररी प्लेजर दे सकता है कुछ टाइम के लिए, फिर देना बंद कर देता है और आपकी इच्छाएं भी कंटिन्यूसली और ऊपर चली जाती हैं। आपके पास आज 10 लाख की गाड़ी है, कल आप 50 की मांगेंगे, आपका फिर मन होगा कि मेरे पास 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, देर इज नो अपर लिमिट। तो ये जो रिच है इसका भी कोई नंबर नहीं है कि आपके पास इतने हजार लाख करोड़ 10 करोड़ जितने भी रुपए हो तभी आप रिच हो। आप रिच होते हैं यहां से। तो आपको अपनी खुशी को पैसे से अलग कर देनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूंगा रिलेशंस। लोग सोचते हैं कि यार ये लड़की यार मुझे बड़ी खुशी देती है, शी इज़ माई हैप्पीनेस एक्स वाई जेड। एक अपने पार्टनर पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं हैप्पीनेस के लिए। आप लव, मतलब क्या, दूसरे पार्टनर से मिलने वाली हैप्पीनेस को मैं शायद लव बोल सकता हूँ, बहुत सारी डेफिनेशन है बट दिस कुड बी वन ऑफ इट। तो अगर आपको, यार वही होता है ना, यू गिव योर की टू हैप्पीनेस टू समवन एल्स और वो लोग उस चाबी को कदर भी नहीं करते इन सम केसेस। तो आपको अपनी खुशी दूसरे इंसान से भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ना पैसा है ना लड़कियां हैं, कुछ भी खुशी नहीं है, बट योर एक्चुअल हैप्पीनेस इज अपने माँ बाप के साथ रहना, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल होना कि आज मैं जिंदा हूं, टुडे आई वोक अप, आई एम हैप्पी अबाउट वेकिंग अप टुडे। क्या आप जानते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कितने इस दुनिया में किसी ना किसी कोने में कितने सारे लोगों ने आज की ही डेट में अपने बहुत किसी लव्ड वंस को खोया है। तो गाइज यू शुड बी हैप्पी ऑफ बीइंग अलाइव, हैप्पी ऑफ वेकिंग अप टुडे। ओके, हैप्पी कि आप 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, हैप्पी कि आपकी फैमिली आपके साथ है। आपको अपने आप को एक्सटर्नल सब्सटेंसेस पे हैप्पीनेस के लिए नहीं डिपेंड करना है। ठीक है, अब इसी में देखिए आगे बात आ जाती है कि दारू पीने से खुशी मिल जाती है। क्या आप जानते हैं, दारू इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिप्रेसेंट। सबसे ज़्यादा डिप्रेस लोग दारू पीने के बाद ही होते हैं। ठीक है, स्मोकिंग के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, स्मोकिंग विल गिव यू अ हैप्पीनेस ऑफ 5 मिनट्स, दैट्स ऑल, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे, बस 5 मिनट आपको खुशी देता।
बस 5 मिनट, जिसके लिए आप सिर्फ अपनी नहीं अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को स्टेक पे रख देते हैं, या पूरे सबकी खुशी आप बर्बाद कर देते हैं अपनी 5 मिनट की खुशी के लिए। आपके आसपास के लोगों की खुशी आप छीन लेते हो अपनी 5 मिनट की खुशी के लिए। जब आपके पेरेंट्स को पता चलता है, आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस को पता चलता है कि यार ये स्मोक करता है, क्या वो लोग खुश होते हैं? नहीं। तो आप सोचिए आप खुद कितने सेल्फिश हैं कि जब आप स्मोक करते हैं अपनी 5 मिनट की खुशी के लिए, आपने अपने माँ बाप को जिंदगी भर का दुख दे दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा, मैं क्या चाहता हूँ इस वीडियो से कि आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि आपको खुशी क्या चीज़ें दे रही है, जो खुशी का क्या है केमिकल, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि मैं दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें करता हूँ जो मुझे खुशी दे रही है। फिर आपको ना, मैं क्या चाहता हूँ कि आपको अपनी चीज़ों को ब्रिंग डाउन करिए आप थोड़ा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास गाड़ी आ गई तो ही मैं खुश हूँ। यार आप अभी के लिए प्लीज़ खुश हो। आप अगर अपनी एक्टिवा पे हो तो आप उस पर बहुत खुश रह सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि खुशी हमारे अंदर का हार्मोन है, बाहर से नहीं आ सकती। तो प्लीज़ गाइज, आप अपनी खुशी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कम करिए, आपकी लाइफ का आधा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप अगर आप खुश नहीं रहना चाहते हैं, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आप पूरा टाइम खुश भी मत रहिए, ठीक है, आप पूरा टाइम उदास भी मत रहिए, आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहना सीखिए। अपने आप को एम्बिशियसली नई चीज़ों पे फोकस कराइए, थोड़ा टाइम जिम में लगाइए, जिम से देखिए आपको खुशी भी, कोई क्या साइड इफेक्ट है, कुछ भी नहीं। जिम से आपको खुशी भी मिलती है, बॉडी भी बनती है। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, आपको उस समय तो बिल्कुल खुशी नहीं होगी, बट आपके मार्क्स आएंगे तो पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही हो जाएगी। आप अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप JEE नीट UPSC, आप सोचिए आपके माँ बाप पूरी ज़िंदगी के लिए, उसको बोलते हैं एक कंटिन्यूस खुशी भाई। तो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, आप लॉन्ग टर्म प्लेजर्स के बारे में सोचिए और आप देखिए आपकी खुशी कहाँ से आ रही है, आपको क्या एडजस्टमेंट्स करना है ताकि आप सेल्फ हैप्पीनेस में रह सकें। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल सब्सटेंसेस में बहुत ज़्यादा खुशी के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, खैर इस वीडियो के और भी डिटेल्स में मैं जैसे जैसे अपने दिमाग में सोच के थोड़ी रिसर्च करके पॉइंट्स लेके आऊँगा, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर्स की बातें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा, इस वीडियो में इतना ही, और डिटेल्ड वीडियोज़ मैं लेके ज़रूर आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आई लव यू ऑल, आई सी यू इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।